दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। स्थानीय पत्रकार कॉलोनी के अंबे माता मंदिर के पास अकोला मेडिकल के संचालक अजय नरेंद्र श्रॉफ के साथ लूटमार करने के संरंगना सहित चार आरोपियों को दबोचने में पुलिस के एक विशेष दस्ते को कामयाबी मिली है। दस्ते का दावा है कि दबोचे गए आरोपियों के पास से लूटमार में झपटे गए गहने एवं नगद जब्त किए गए हैं। कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया है, जिससे टीकाकरण की गति और दर में वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी टीकाकरण कम है। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर तेजी लाने का निर्देश जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने दिया है। टीकाकरण के संदर्भ में गुरुवार को आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक में एजेंसियों को अधिक से अधिक लोगों तक टीका पहुँचाने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिया। अकोला महानगर पालिका तथा पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर कुल 20 स्थानों पर ऑटो स्टैंड निर्धारित किए गए हैं, जो जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं, जिसके बाद ऑटो चालकों को रास्ते में खड़े रहने के बजाय इन स्टॉप पर ही खड़े रहना पड़ेगा। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा, ऐसा प्रशासन का मत है। मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी जी ने अतिक्रमण धारकों को अपने अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। उसके पश्चात कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा सिटी कोतवाली से गांधी चौक से ताजना पेट, गांधी चौक से निशान टावर, ऐसे अनेक चौक तक अतिक्रमण धारकों ने रस्ते पर कब्जा जमा रखा है। अब मनपा ने इन मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने की ठानी है। स्थानीय बिल्डिंग पेंटर्स निर्माण कार्य मजदूर एसोसिएशन के संकल्प पर तारफेल में श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाया गया। इस अवसर पर श्रमिकों के पंजीयन के लिए बड़ी भीड़ उमड़ी थी। महाराष्ट्र वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मुंबई के तहत असंगठित श्रमिक, निर्माण श्रमिक, ऐसे अनेक श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, इस संकल्प से यह अभियान लिया गया। क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाकर निजी बस अकुट अकोला मार्ग से बुधवार 1 दिसंबर को दोपहर 4:30 बजे जा रही थी। उत्तर मार्ग पर पालसोत फाटे समीप बस में क्षमता से अधिक यात्री होने के कारण असंतुलित बस रास्ते के बगल में जाकर पलटी होते होते बच गई। इस घटना में सभी यात्री बार बार बच गए। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में मध्य रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों से 123 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। इस साल अप्रैल से नवंबर महीने के बीच रेलवे अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण से जुड़े दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर 24,944 यात्रियों से जुर्माना वसूला है। इस दौरान विज्ञापन और दूसरी सेवाओं के जरिए भी रेल ने 14.5 करोड़ रुपए का गैर किराया राजस्व प्राप्त किया है। श्रीमती एलआरटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अकोला के एनसीसी विभाग के कैंडिडेट से महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस जी चापके व लेफ्टिनेंट डॉक्टर अनिल तीरकर तथा 11 महाराष्ट्र बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सी पी भदोला के मार्गदर्शन में 1 दिसंबर को जागतिक एड्स दिन पर शासकीय रुग्णालय के परिसर में एड्स विषय पर जन जागृति करने का प्रयास किया। पिछले 2 दिनों से बदरीला वातावरण था और आज सुबह से शुरू हुई बेमौसम बारिश का आम नागरिकों को सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से शहर सहित जिले भर में जगह बारिश हो रही है। अब आने वाले दिनों में ठंडी के साथ संक्रमित बीमारियों के बढ़ने का प्रमाण भी बढ़ेगा, नागरिक सभी सावधानियां बरते। अकोला में बुधवार को रापनी कर्मचारियों ने अनोखी पद्धति से आंदोलन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। अकोला के आगर क्रमांक 1 पर एसटी कर्मचारियों ने बस स्थानक परिसर में गधों का पूजन कर जुलूस निकाला। गत कई दिनों से राज्य समेत अकोला के एसटी कर्मचारी शासन में विलीनीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर डट पर बैठे हुए हैं। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।